शायद कैपिलरी तक से होता हुआ सेल तक पहुंचेगा। इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होगी, क्या होगी? ऑक्सीजन मौजूद होगी। वो ऑक्सीजन इस ब्लड से निकलता है, यहाँ इस स्पेस में आ जाएगी, ठीक है? ये ऑक्सीजन है, इधर आ गई, ठीक हो गया? इधर से ऑक्सीजन है, इधर से ऑक्सीजन इस सेल के अंदर आ जाएगी, ठीक हो गया? ये सेल ऑक्सीजन में यूज करेगा अपनी फूड अपनी फूड बनाने के लिए और सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। किसके लिए? सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। जिसके नतीजे में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेगा, जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। क्या होती है? इसको बॉडी से एक्सपेल आउट करना होता है, यानी कि बॉडी से बाहर निकालना होता है। वो किस तरह निकलेगा? ऑक्सीजन तो अभी सेल के अंदर एंटर हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ CO2 प्रोड्यूस हो गई। CO2 जो प्रोड्यूस होगी तो वो क्या करेगी? वो इस सेल से बाहर निकलेगी, इधर बाहर स्पेस में आएगी, सेल के बाहर जो स्पेस होती है उधर आएगी, उधर से ये ब्लड वेसल के अंदर, ये ब्लड वेसल में कैपिलरीज के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी। इधर हो गई डिफ्यूज हो जाएगी, यानी कि अब ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन निकल चुकी है और क्या आ गया है? CO2 आ गया, जो कि एक